क्या हो गई? मुरारी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। कितनी देर से अपने मोजे ढूंढ रहा हूँ। सुमो की हर सुबह मंदिर में जाकर बैठ जाती हो, पता नहीं इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम्हें क्या मिलता है। सुमन, भगवान कृष्ण की पूजा करने से संसार का सुख मिलता है जी, वो हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। बहू सही कह रही है बेटा, तेरे पिताजी भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, तभी तो उन्होंने तेरा नाम मुरारी रखा था। इसी बात का तो अफसोस है, इतने नामों में एक यही नाम मुझे मिला था रखने के लिए। मुझे दुकान खोलने में पहले ही बहुत देर हो गई है, तुम दोनों की फालतू बातों को सुनता रहा तो कर लिया काम फिर मैंने। मुरारी एक मेडिकल स्टोर चलाता था, वो स्वभाव से नास्तिक व्यक्ति था, भगवान के नाम से ही वो चिढ़ने लगता था। सुमन और मुरारी की माँ उसे बहुत समझाते थे पर वो उनकी एक नहीं सुनता था। लेकिन मुरारी अपना काम बहुत ही निष्ठा से करता था, उसे मेडिकल की दुकान चलाते वर्षों बीत गए थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मुरारी को अच्छी तरह जानते थे। मुरारी बहुत ही सावधानी से हर ग्राहक को दवाई देता था। भैया, ये डॉक्टर ने पर्चे पर जो दवाइयाँ लिखी है दिन में कितनी बार लेनी है? लाओ मैं समझा देता हूँ, ये एक एक गोली दिन में दो बार, ये सुबह शाम खाली पेट की है और ये रात को सोते समय। ठीक है, आ गया समझ? भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मेहनत मैंने की बताने में चाचा, और तुम भगवान को बीच में ला रहे हो, पता नहीं लोग जब देखो भगवान का नाम लेते रहते हैं। मुरारी दिल का बहुत अच्छा था पर भगवान का नाम लेने वालों को देखकर उसे गुस्सा आ जाता था। खाली वक्त मिलने पर मुरारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन शाम के वक्त जब मुरारी दुकान पर बैठा था, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। अरे मनोज, संदीप, तुम लोग यहाँ क्या हुआ, आज काम पर नहीं गए? मेरी तो आज काम की छुट्टी है और ये संदीप आज काम से जल्दी आ गया, हमने सोचा तेरी दुकान पर बैठकर ताश में दो दो हाथ हो जाएं। बारिश भी तेज हो गई है, बारिश के मौसम में दोस्तों के बीच बैठकर ताश खेलने का अलग ही मजा है। तुम लोग बैठो, मैं ताश निकालता हूँ। मुरारी अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में लग गया। बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक लाइट चली गई। अरे अच्छा खासा गेम चल रहा था, लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। बाबू जी, जल्दी से ये दवाई का पर्चा देखकर मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे पहले इसे निपटा, ये सिर पर खड़ा है। हाँ दे रहा हूँ। मुरारी का ध्यान ताश के खेल में था। मुरारी ने मोमबत्ती ढूंढते हुए ही अंधेरे में दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और बिना दवाई का नाम पढ़े दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का जल्दी से मुरारी को पैसे पकड़ा कर दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अच्छा मुरारी, अब बारिश भी रुक गई है, मैं चलता हूँ। तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, मुझे रास्ते में घर छोड़ देना। तुम दुकान बढ़ा रहे हो क्या, तो साथ ही घर चलो। नहीं नहीं, अभी थोड़ा काम है मुझे, बाद में ही आऊंगा। मनोज और संदीप के जाने के बाद मुरारी अपने काम में लग गया। वो अभी काउंटर समेट ही रहा था कि उसकी नजर लड़के के दिए दवाई के पर्चे पर पड़ी, जो वो लड़का शायद वहीं छोड़ गया था। अरे ये दवाई का पर्चा तो वो लड़का यहीं भूल गया, ये तो वो दवाई है जिसके ऑर्डर के डिब्बे सुबह ही आए हैं। मैंने तो अभी माल खोला भी नहीं है, फिर मैंने उसे कौन सी शीशी दे दी। अरे अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भूल से लड़के को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी। मुरारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी वर्षों की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। मुरारी कई सालों से बहुत ही समझदारी से दुकान को चला रहा था, उससे कभी भी कोई भूल नहीं हुई थी। उस लड़के के बारे में वो सोच कर तड़पने लगा। यदि लड़के ने वो चूहे मारने की दवाई अपनी बीमार माँ को पिला दी तो वो अवश्य मर जाएगी, बच्चा छोटा है, दवाई की शीशी पर नाम भी नहीं पड़ पाएगा। अब मैं क्या करूँ, मेरी सालों की अच्छाई मिट्टी में मिल जाएगी। ताश के पत्ते जलाकर फेंक दूंगा, ताश के बाद मैं ताश के पत्तों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुरारी अपने आप को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। मुरारी के पास उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं था। पता नहीं वो लड़का कहाँ रहता है, कहाँ से आया था, कहाँ ढूंढूं। दुविधा और बेचैनी मुरारी को घेरे हुए थी, उसकी आंखें भी भर आई थी। तभी मुरारी, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों घबरा रहा है? पिताजी, मेरे से अनजाने में ही भूल हो गई, मेरी गलती की वजह से आज एक निर्दोष की जान चली गई होगी। मुरारी, भगवान की महिमा अपरंपार है, तुम उन्हें सच्चे मन से याद करोगे, उनका नाम लोगे तो वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे। तो क्या अगर मैं भी भगवान को याद करूं, उनका नाम लूं, तो मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा पिताजी? हाँ बेटा मुरारी,
भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव मुसीबत से लड़ने और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वो सामने दीवार पर लगी भगवान कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम करो, तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। पिताजी, पिताजी कहाँ गए? मुझे पता है पिताजी, आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मुझे रास्ता मिल गया पिताजी। वो पिताजी के हाथों की लगाई भगवान कृष्ण की तस्वीर कहाँ गई? उन्होंने उस कोने में लगवाई थी जब मैं लगवाने के लिए मना कर रहा था। पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। वो रही भगवान कृष्ण की तस्वीर। मुरारी ने पहली बार दुकान के कोने में दीवार पर लगी धूल से भरी भगवान कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक निर्दोष को गलत दवाई देकर मार डाला। भगवान मेरी मदद करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। भैया जी, मेरी माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी आपने दी थी। हाँ, वो मैंने ही दी थी बेटा। मैं वो दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था कि पानी में मेरा पाँव फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? क्या वो शीशी तुमसे टूट गई? इसका मतलब तुम्हारी माँ ने वो दवाई नहीं पी? रुको, मैं दूसरी शीशी देता हूँ। पर मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, क्या मैं आपको बाद में दे सकता हूँ? मैं यही एक झुग्गी में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ घरों में काम करती है। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुरारी उस लड़के की माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और इलाज के लिए कुछ पैसे भी जमा करवा देता है। घर आकर वो सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। अगले दिन जब मुरारी अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपने हाथों से भगवान कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने कपड़ों से धोती से पोंछने लगता है और अपने सीने से लगा लेता है। हे कृष्ण, आपने मेरी लाज बचा ली। आपकी सदा ही जय हो प्रभु। जय श्री कृष्ण।